विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को भी आज महसूस हो रहा है कि उनका जीवन आसान हुआ है, उनकी सुविधा बढ़ी है, अब वो राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान दे सकती है। साथियों, भाजपा सरकार के इसी सेवा भाव का लाभ तेलंगाना के हर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मिडिल क्लास परिवार को भी मिल रहा है, तेलंगाना की बहनों बेटियों को मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमारी सरकार ने तेलंगाना के हर परिवार की मदद का प्रयास किया। पूरे देश के साथ साथ तेलंगाना के भी करोड़ों साथियों को तेजी से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, जोश से भरे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह आज पूरे देश को पता चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जितना जन समर्थन तेलंगाना में हासिल किया था, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तेलंगाना के भी करोड़ों साथियों को तेजी से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका
सबका साथ सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, जोश से भरे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह आज पूरे देश को पता चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जितना जन समर्थन तेलंगाना में हासिल किया था, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाजपा ने जितना समर्थन तेलंगाना में हासिल किया, उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है। और ये वृद्धि ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके प्यार को दर्शाती है। आपकी इस निरंतर प्यार बढ़ता रहा है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो हर चीज में दिखाई दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में इसकी एक और झलक हमने देखी, जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली। देश के दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, आपका प्यार, आपका उत्साह मैं भली भांति समझ सकता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण तक की सुविधाओं को हमने तेलंगाना के गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर लाभार्थी तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों और बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है। भारत में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है। भाइयों और बहनों, हम इस 21वीं सदी में देश की नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।
ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। सर्वे बताते हैं कि आज हमारी बहनों की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैसलों में पूछ भी बढ़ रही है। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमने बहनों को बैंकिंग से जोड़ा। देश की अर्थव्यवस्था में बेटियों की सीधी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया।